कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को काबू में करने के लिए पिछले महीने से लगातार लॉकडाउन रहा, मगर स्थिति अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। सिंगरौली में आपदा प्रबंधन समिति बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 31 मई तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल और सांसद रीति पाठक की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सिंगरौली में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र के विधायक रामलल्लू बैस, सुभाष वर्मा, अमर सिंह के साथ ही जिला अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र गोयल और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत देव सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि सहित जिला कलेक्टर आर मीना भी शामिल हुए। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सभी के प्राप्त सुझावों के आधार पर 31 मई तक लागू टोटल लॉकडाउन में सख्ती कर जिले को कोरोना मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के साथ ही वैक्सीनेशन को बढ़ाने और ब्लैक फंगस के बारे में जागरूकता फैलाकर और उससे बेहतर इलाज की चर्चा की गई। साथ ही वर्तमान में कोरोना संक्रमित लोगों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद कोविड प्रभारी मंत्री जिले के चतरंगी और देवसर ब्लॉक के ऐसे ग्रामों में गए जहाँ ज्यादा संक्रमण है और जहाँ जाकर संक्रमित व्यक्तियों से भी मिले। नए सब पुराने पर अभी ढिलाई नहीं बरतनी है, सतत सावधान रहना है। इससे आज 21 पॉजिटिव केस है, आने वाले समय में जीरो हो जाए और 1 जून से लॉकडाउन खुल जाए, जनजीवन सामान हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने आज बैठक की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।